अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी तकरीबन 7 का टाइम हुआ है, तो मैंने जाना है, एक ग्राउंड है उसका घास कटवाना है हमने, और जिनको घास काटने के लिए बोला हुआ है ना, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी। उन्होंने कॉल किया कि आप इधर आए और हमें ले जाए उठा के। अभी उनको लेने जा रहे हैं, तो अभी उनको लेके आऊँगा, उधर ग्राउंड में छोड़ेंगे, फिर पता चलेगा कि वो कितने पैसे मांगते हैं, क्या हिसाब है। कुछ भी बात नहीं कि जस्ट उनको बताया था कि ग्राउंड है तो उसका आपने घास काटना है। कुछ पहले भी हमने उसका वहाँ से घास काटा हुआ है, थोड़ा सा 40% 60% रहता है जो पहले था बंदा, वो 40 काट के भाग गया। तो उसके अलावा जब वो स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मैंने शुरू किया था ये व्लॉग, मगर शायद मैंने कार्ड जो है ना एक कैमरे से निकाल के दूसरे में डाला है, या मुझे नहीं पता क्या रीज़न हुआ है, मेरी काफ़ी वीडियो डिलीट हो गई उसमें से। यानी कि वो सारा जो मैंने वीडियो शूट कर रहा था, मैं कि सारा जब मुकम्मल हो जाएगा तो एक साथ जो है ना एक वीडियो अच्छी बन जाएगी तो अपलोड करूँगा, मगर वो सारा सीन ख़राब हो गया। तो अभी जो है ना इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वरना ये तकरीबन 15-20 दिन पहले का ये स्टार्ट किया था मैंने ग्राउंड का, कि जिस वक्त ग्राउंड रेडी हो जाएगा तो सारी वीडियो एक में आ जाएगी, तो मैं फिर वो वीडियो एक साथ अपलोड कर दूँगा एक वीडियो में सारा। मगर यहाँ पर कुछ सीन थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि वीडियो मेरे से डिलीट हो गई है, तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ उस घास वाले को लेने, तो उससे लेके आता हूँ, फिर ग्राउंड भी दिखाता हूँ आपको कि कौन सा ग्राउंड था हमारा वो, ठीक है। उसके उसमें भी घास की तरह इतना बड़ा था, और वो जो है ना पहले वाले के साथ सारे पैसों का भी डन किया था, मगर वो कहता है जी मैं अकेला हूँ, मेरे पास का काम नहीं है, ये ज़्यादा है। तो अभी ये जो बंदा है इसके साथ आई थिंक एक दो बंदा और भी होगा, वो अगर वो यही कह रहा है कि हम एक दिन में जो है ना ये डन कर देंगे सारा, तो अभी उसे लेने जा रहे हैं, लेके आता हूँ, फिर ग्राउंड में मिलते हैं। मस्जिद है इसी के पास, उसने कहा था कि मैं खड़ा होऊंगा, मगर वो यहाँ पर नहीं है, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, नंबर उसका अंकल के पास है, मगर अभी उनको कॉल करते हैं, पता चलता है किधर है। और ये इंडियन सेंटर है, यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा मुसलमान यहीं पे रहते हैं। हेलो, टाइम था 7:30 का, 10 मिनट मैं लेट आया हूँ, और टाइम अभी हो रहा है 8 हो गए हैं, और उसके भी 10 मिनट ज़्यादा लेट आए हैं। अभी भी एक बंदा इनका नहीं आया, अभी 10 मिनट वो लेट आएगा, कितनी कदर है हमें टाइम की आप खुद देख लो। 7:30 का टाइम था, मैं भी घर से लेट आया, मेरे जहन में ये था कि ये पहले से आके खड़े होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी भी एक बंदा इनका शॉर्ट है, अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। तीसरा बंदा उनका ये आ रहा है, 10 मिनट बाद ये पहुँच जाए, ये उसने हाथ में पकड़ी ये मशीन है घास काटने वाली, ये आ रहा है वो। अच्छा जी, ये है हमारा ग्राउंड, आपने पहले भी मेरी कई वीडियो में देखा होगा, सही है। और ये घास इतना इतना बड़ा हुआ है, ठीक है, ये तो ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इस एरिया का घास काट दिया गया है, ये यहाँ से जो है ना ये सारा काटा हुआ है उसने लड़के ने, मगर वो कह रहा था जी मैं अकेला हूँ तो मेरा जो है ना सीन नहीं लगता, मैं नहीं काट सकता, ये बहुत ज़्यादा है मुझसे, तो इसलिए जो है ना वो छोड़ के भाग गया था। अभी जो आए हैं वो 3 हैं, ये वो मेरी गाड़ी के पास खड़े हैं, वो मशीन वगैरह अपनी जो कर रहे हैं फिक्स, ठीक है, तो जैसे वो फिक्स कर लेते हैं फिर वो आ जाएंगे। उसके अलावा इसकी जो विकेट है हमने वो बनानी है, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर ये यहाँ पे हमने विकेट बनानी है। विकेट हमारी काफ़ी चर्चा चल रही थी कि पहले कोई कह रहा था जी जनाब ट्रफ बनानी है, फिर सीमेंट, फिर ट्रफ, फिर सीमेंट, तो ये मैंने उसकी फिर सीमेंट ही हुई कि पक्की ही करो, तो ये मैंने निशानियाँ लगाई थी इसकी। ये भी जिन लड़कों ने घास काटा है उन्हीं को कहा था कि इसको खोदना है, मगर वो जब घास वाला छोड़ के भाग गया ना तो फिर वो सीन
नहीं बचा पीछे के, वो कुछ और भी करेंगे। तो अभी ये घास रहता है, ये उस लड़के ने काटा है, तो अभी बाकी जो रहता है वो ये काटेंगे। तो मैं तो अभी बस इनको काम पे लगा के, तो छोड़ के जा रहा हूँ मैं बस, क्योंकि घर में और भी बहुत सारा काम है बाकी। अभी अच्छा जी, वो घास वालों को छोड़ के वहाँ पे हम चले गए थे घर, जाके खाना शाना खाया, फ्रेश हुए हैं। और कॉल आ गई थी कंपनी से कि आपका स्टॉक है वो लिया है, वो पीछे गाड़ी में पड़ा है। तो अभी उसके बाद भाई ने एक मेडिसिन ऑर्डर की हुई थी जो है ना टेक लॉट से, तो वो भी लेने जाना है टेक लॉट से। तो ईमेल आ गई उनकी, उनकी ईमेल आ गई है, तो वो टेक लॉट से लेने जाना है और वो अभी ले के आते हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा ग्राउंड में जाना है, पहले मेडिसिन ले लें, तो उसके बाद फिर ग्राउंड में चलते हैं। अभी मेडिसिन लेने चलते हैं फिलहाल। ये ग्राउंड है, यहाँ पर लास्ट टाइम जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था अंडर 19 का, जो सेमीफाइनल था जो पाकिस्तान हार गई थी। तो यहाँ ग्राउंड के अंदर शायद अभी नहीं जा सकते क्योंकि कोविड है, कोविड में नहीं जा सकते। ये ग्राउंड है इस तरह, आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ कुछ व्यू। ये टेक लॉट आ गई जी, और वो ये भी ग्राउंड का एक जो है ना गेट है, हम यहाँ से जाते थे जब खेलने के लिए, दो तीन बार हम खेले हैं, मगर फिर हमारा लक खराब हो गया, कोविड आ गया। तुसी जाना है बेईमानी की इंतहा हो गई है, नाम भाई के भी आई है, तो उन्होंने कहा कि तुमने लेके आना है, तुम्हें जा पाते मैं ही लेके आऊँगा। हेलो गुड एंड यू, अंदर से भाई लेने गया हुआ जो भी था, मेडिसिन मंगवाई है भाई, मंगवाई है लेने गया हुआ। ये है जी टेक लॉट की पैकिंग, आप चाहे सुई भी मंगवाओ ना तकरीबन वो इतनी ही पैकिंग में आती है। इसमें फिर मेडिसिन है और ऐसे लग रहा है जैसे खाली है। मैंने भाई को कहा भाई ये तो खाली लग रही है, भाई कहते हैं जी इसमें गोली है, तो गोली का कितना अगर वेट होगा। तो ये भी हो गया, और अभी मेरे ख्याल से दोबारा ग्राउंड में जाना है दोबारा, वो बस उनको एक बार देख के फिर घर ही जाना है, फिर घर ही जाएंगे। अगर मॉल का चक्कर लगाना है वो मे भी MTN में देख रहे हैं, मॉल में जाना है। कल के व्लॉग में था, मैंने बताया था कि फ़ोन अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पर एक लड़की काम करती है जिससे मतलब थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो अंडरस्टैंड करती है सारा कुछ, तो अगर वो आई हुई तो ही मैं आगे उसका प्रोसेस चलाऊंगा, अगर वो ना हुई तो फिर वापस आ जाएंगे वहाँ से, क्योंकि उसने कहा था कि मैं कर दूंगी, बाकी जो है ना देखते हैं वहाँ पर जाके। बस जहाँ से ग्राउंड जाना है ग्राउंड से मॉल और फिर घर। अच्छा अभी वैसे ही हम दोनों भाई बात कर रहे थे ये टेक लॉट के बारे में ना, मैंने इनका वेयर हाउस देखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो मेन है कि इनका या और भी कोई है, जो मैंने देखा है तो मतलब काफ़ी बड़ा है वो, ठीक है। मैं वैसे नहीं स्क्वायर मीटर मैं नहीं बता सका कितने हैं, मतलब काफ़ी बड़ा है। और पूरे साउथ अफ्रीका में कोई भी चीज़ टेक लॉट से ऑर्डर करो आप, कोई भी, चाहे फ़ोन की है, मेडिसिन है, मतलब किसी भी जो उनके पास टेक लॉट में मिलती है वो आपको तकरीबन दो दिन में जहाँ पर भी हों आप साउथ अफ्रीका में आपके पास पहुँच जाती है। और अगर इसी चीज़ का मतलब आप मुकाबला करो ना, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलती है दराज, तो दराज में सीन ये होता है कोई 7-8 दिन से पहले तो आपको चीज़ मिलती नहीं। और सबसे जो बात मुझे बुरी लगती है उसमें ये है कि जो चीज़ आप करते हो ना
ऑर्डर वो आपको नहीं मिलती। और हमने ये तजुर्बा कर लिया हुआ है, इधर से बैठ के कुछ चीज़ें भाई ने ऑर्डर की थी, घर भिजवानी थी, वो घर में गई है, तो जब घर वालों ने चेक की तो वो नहीं निकली, तो जनाब वो वापस भी भेज दी। साल हो गया ना पैसों का पता नहीं, ना वो पता क्या है कि उसमें एक मैंने ना दो तीन क्रीमें ऑर्डर की थी, ये जो पाकिस्तान में कराची में स्पेशली जो है ना हमारा बहुत बड़ा जो है ना एरिया है, सारा जो ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, तो मैंने ना दो तीन क्रीमें ऑनलाइन की थी, तो मैंने जब पेमेंट कर दी और घर वालों ने रिसीव कर ली, सही है कैश ऑन डिलीवरी थी, तो घर जाके जब खोली तो बीच में वो नहीं थी क्रीमें जो मैंने ऑर्डर की थी। तो उसके बाद मैंने अबू जान को बोला कि अबू जी आप ले जाएं और इन्हें रिटर्न कर दें, मेरी बंदे से बात हो गई है। मैंने बंदे से बात की, उसने कहा ठीक है भाई जान आप वापस भेज दो, मैंने उसे वापस भेज दी। दोबारा मैंने उससे कॉलिंग की, उसने अभी तक मेरी कॉल आंसर की, तो अभी तक साल हो गया, वन एंड हाफ ईयर हो गया, अभी वन एंड हाफ ईयर हो गया, सही मगर है। बंदा ईमानदार है जी, उसने व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं किया, मैं उसकी ईमानदारी की दाद देता हूँ, उसको ब्लॉक कर देना चाहिए था, क्योंकि कॉल जो उठानी नहीं ब्लॉक करो जान छुटे, ये सीन जो है ना ये गलत है यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्रीमें थी तकरीबन कोई 1800-1900 की, सही है, तो मसला पैसों का नहीं है, 1800-1900 से बंदा फिर कमा लेता है, लेकिन मेन चीज़ है आपके बिजनेस में ट्रस्ट। अब यहाँ पे टेक लॉट पे आप ऑर्डर करो, कल किया था परसों किया था परसों, जो एग्जैक्ट चीज़ आपने जो पिक्चर में नज़र आ रही है आपको वो ही वहाँ पे मिलेगी जो आप रिसीव करोगे, आप चेक करो सेम क्वालिटी होगी जो उन्होंने बताया होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में फ्रॉड है भाई, अल्लाह बचाए। ऐसा ही है मैंने तो और भी दो तीन जगह पे जो है ना एक्सपीरियंस किया हुआ है, वही होता है, वो चीज़ नहीं मिलती जो आप ऑर्डर करते हो। बाकी हम किसी को बुरा या भला नहीं कह रहे, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बिज़नेस का एक स्टेटस एक लेवल होना चाहिए, और इनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अगर आप कहते हो ना कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये हम आपको मतलब टेक लॉट पर बेचना चाहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट आप यहाँ हमारे वेयर हाउस में छोड़ जाओ, जब ये बिकेगी जितनी बिकेगी आपको आपके पैसे मिलेंगे, हमें हमारे मिल जाएंगे, और तरीका भी यही होना चाहिए। बाकी सबका अल्लाह हाफिज़ है, तो ग्राउंड में मैं आ गया हूँ, मैं बस इनको देख लूँ एक बार कितना उन्होंने घास की अभी तक कट है, तो फिर गर्मी बहुत हो रही है, और चलेंगे इधर से कि बनने की मशीन ख़राब हो गई है, तो ये भी बोल रहा है कि यार मुझे साथ ले चलो, मैं मशीन अपने से एक बार ले आता हूँ, तो मैं भी यहीं पे रुकूँगा, भाई जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा जो जिस तरफ जो है ना चल रहा है घास काट रहा है, ये घास काटा है उन्होंने, बस जो पहले है नहीं कि बंदा लगा था बेचारे उसने कितना काटना था, मगर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना काट दिया, तो उसके मशीने कितना हर करे में क्या घास बड़ा है, ये एक अकेला बंदा काट रहा है, बाकी ये भी मशीन बंद करके बैठा खड़ा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ जब ये मशीन स्टार्ट करता है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको छोड़ के आया हूँ, जो काले सुबह ले के आया था काम करने के लिए, तो अभी मैं घर आ गया हूँ, अभी बनाना है खाना, और खाने में बना रहा हूँ मैं कद्दू शरीफ, तो मैं खाना बना लूँ, मेरा ख्याल है यहीं पे व्लॉग जो है ना एंड करते हैं आज का, तो कल का व्लॉग दोबारा इंशाल्लाह ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, तो फिर कल ग्राउंड में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।